हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट 3 एमुलेटर बताने वाला हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एंड्रॉइड गेम्स को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर खेलना चाहते हैं और चाहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस आपको वो दे और स्मूथली वर्क करे, तो उसके लिए गाइस आपको एमुलेटर की जरूरत पड़ती है। और एमुलेटर की मदद से आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट एमुलेटर बताने वाला हूँ जिनको आप यूज कर सकते हो, चाहे आपके पास लो एंड पीसी हो या आपके पास हाई एंड पीसी है। दोनों के लिए मैं बताने वाला हूँ कौन सा आपने यूज करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप BGMI या फ्री फायर खेलना चाहते हो, कोई भी हाई कॉन्फ़िगरेशंस वाले गेम्स अपने पीसी पे खेलना चाहते हो, तो उस एमुलेटर पे स्मूथली काम करेगा, बहुत इजीली आप उसको खेल सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो शुरू करता हूँ नंबर 3 एमुलेटर से, जिसका नाम है नॉक्स प्लेयर। चाइनीज एमुलेटर है गाइस ये, और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आपने वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है जैसे आप इसमें लॉग इन करेंगे। और आपका जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल होना चाहिए। अगर आपका पीसी में वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कैसे आप 22 मोड से जाके वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर सकते हो। आपको आई बटन पे मिल जाएगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का वर्चुअलाइजेशन को कैसे इनेबल किया जाता है। अगर आप कोई भी एमुलेटर को यूज करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले उसको इनेबल करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा नॉक्स प्लेयर का, ब्राउजर, टूल्स, एप सेंटर, एंड यहाँ पर आपको टूल्स में आएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग, गैलरी, ये कुछ फीचर्स है जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉग इन करेंगे अपने गूगल अकाउंट से, तो आप लॉग इन हो जाओगे और यहाँ से आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। गेम्स करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो BGMI यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। अब आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। अगर आपके पास लो एंड पीसी है या आपके पास हाई एंड पीसी है, लो एंड पीसी में भी आप इजीली बैटल ग्राउंड को इस नॉक्स प्लेयर की मदद से खेल सकते हो। काफ़ी अच्छे से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कम स्टोरेज होने के बाद भी आप इसको यूज़ कर पाओगे अपने पीसी पे। अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो मैं आपको नॉक्स प्लेयर एमुलेटर को रिकमेंड करूँगा आप इसको यूज़ करें। अगर आपके पास थोड़ा सा और मीडियम टाइप का पीसी है तो आपको यूज़ करना चाहिए MSI A Player भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ MSI A Player का इंटरफेस आपको कैसे देखने को मिलेगा। यह आता है MSI A Player, आप इसका यूज़ कर पाओगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये अगर आपके पीसी की रैम 8GB है और i5 प्रोसेसर है एंड यहाँ पर 2GB या 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इसमें इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको सेटिंग्स भी साइड में काफ़ी देखने को मिल जाएगी। ये है, यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से भी आपने प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर पर आके आप यहाँ पर कोई भी गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो और इसको खेल सकते हो। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आपका पीसी मीडियम है, लो एंड पीसी से थोड़ा सा हाई है, तो आप MSI A Player को यूज़ कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो मैंने एमुलेटर रखा है वो है ब्लू स्टेक। अगर आपका पीसी हाई एंड पीसी है तो आप ब्लू स्टेक का यूज़ करें। फ्रेंड्स, ब्लू स्टेक में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। हर गेम इसमें बहुत ही स्मूथली काम करता है और इसके यूजर्स भी काफ़ी ज़्यादा है और सबसे पुराना ये एमुलेटर है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रिकमेंड मैं आपको तब करूँगा जब आपका पीसी हाई एंड पीसी है, आप तभी इसको यूज़ करें, अदरवाइज आप नॉक्स प्लेयर एंड MSI A Player का यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये 3 बेस्ट एमुलेटर है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 3 पे नॉक्स प्लेयर, नंबर 2 पे MSI एंड नंबर 1 पे ब्लू स्टेक अगर आपका हाई एंड पीसी है तो। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 एमुलेटर जिनकी मदद से आप अपने पीसी पे एंड्रॉइड एप्स को या गेम्स को खेल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3 बेस्ट एमुलेटर बता दिए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।